वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और इस बार मैं अपनी नई वर्ल्ड इसलिए बना रहा हूँ, प्लीज़ गुस्सा मत होना। मुझे अभी सीड्स के बारे में पता चला है और मुझे पता चला कितने सारे बायोम्स होते हैं माइनक्राफ्ट में। और ये जंगल बायोम का सीड है, जंगल दिख तो नहीं रहा। बोनस चेस्ट हम लोग ने लिया है हमेशा की तरह, और ठीक ठाक सामान्य स्टोन एक्स मिली है, सही है। और नहीं तो हमेशा वुडन सामान ही मिलता है, थोड़ी प्लैंक्स, लॉक स्टिक्स, ब्रेड, एप्पल, कैरेट है। कैरेट अनयूजुअल है, मुझे नहीं मिलता है कभी। ओके, वो रहा जंगल, सही है सही है सही है। ओ कितना बड़ा पेड़ है। मैं जंगल सीड इसलिए लिया क्योंकि मुझे बहुत मन कर रहा था ट्री हाउस बनाने का। जैसा कि आप जानते होंगे मैंने एक ट्री हाउस ट्यूटोरियल बनाया था, पर क्रिएटिव मोड में था, मुझे वो सब बनाने में तो जन्मों का टाइम लग जाएगा सर्वाइवल में। तो हम लोग वैसा नहीं करेंगे, कुछ सिंपल सा बनाएंगे। ओके, शुगर केन मिल गए। शुगर केन बहुत ज़रूरी होते हैं, पेपर बनाने के लिए ज़रूरी होते हैं और शुगर के लिए वो ज़रूरी होते ही हैं। ओके, ये वाइन्स। ओके, थोड़े मुझे मेलन्स दिखे थे तो सारे मेलन्स मैंने ले लिए। और 64 ए 1.5 स्टैक मेलन्स मिल गए। यहाँ पर बैम्बूज भी हैं, इन्हें तो आसपास पांडास भी ज़रूर होंगे अगर बैम्बू से। ओ पैरट नहीं आया। और थोड़े मेलन, चल मत जाना प्लीज़ प्लीज़, मत जा जल्दी। ओके ठीक हो जा भाई, अभी भी नहीं। शिट, हाँ मत जाना प्लीज़ ले ले। हो वाओ गाइस, पहले ही दिन पे हमारा एक साथी बन गया हमारे एडवेंचर पे, बहुत अच्छी बात है। और मेरा अगर आप लोग स्किन देखेंगे तो प्लीज़ हंसिएगा मत, तो एक्चुअली मेरी बहन ने लगाया है। और ये क्या, ये पैरट के घर है शायद। ऑसलॉट मुर्गे को मार दी। लड़ाई कर रहा था, कोई बात नहीं, हमारा ही इच्छा है। बैम्बू लेकर जाते हैं हम लोग, अपने घर के आसपास बैम्बू लगा सकते हैं। तो मैं अभी वो काट रहा हूँ, उसको स्किप कर लेंगे। शीप्स को मारना ज़रूरी है। अभी तक शेयर नहीं हम लोग के पास एक्चुअली, और स्टोन की तरफ नहीं मिली ना, तो हम आयरन भी डिग नहीं कर सकते, तो हमें मारना ही पड़ेगा उन्हें बेड बनाने के लिए। अपना ये फ्लास्क भी ले लेता हूँ, अपना घर डेकोरेट कर लूँगा। और इतने बड़े जंगल में इसे देख कर जान पाऊँगा कि मेरा पेड़ कौन सा है। ठीक है, ये जंगल बहुत अच्छा है, इसे इसमें से निकलने में बहुत टाइम लगेगा, इसलिए मैं फास्ट फॉरवर्ड कर रहा हूँ इसको गाइस। तो मैं सच बोल, ओ भाई बैम्बू फॉरेस्ट, यस बहुत सारे पांडास होंगे, प्लीज़ पांडास हो जाए, प्लीज़ पांडास। एक भी पांडा नहीं दिख रहा जी, एक भी नहीं। मुर्गे यहाँ ज़्यादा घूम रहे, वाह। चलो कोई बात नहीं, अभी तो हम लोग अभी जस्ट स्टार्ट किया हम लोग ने वर्ल्ड, तो पांडा हम लोग बाद में ढूंढेंगे, अभी तो चिकन मिल जाए अच्छा है। वैसे यहाँ बहुत सारा बैम्बू है, तो हमें बैम्बू फॉरेस्ट बनाने की जरूरत नहीं। ओह ये बहुत सही पेड़ है, मेरे ख्याल से ये एकदम सही पेड़ है। इसका स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ, कोऑर्डिनेट्स याद रहेंगे मुझे। यहीं पर घर बनाऊँगा मैं, अपना बसेरा रखूँगा। बोरिया बिस्तर लेकर आ जाते हैं, तो बोरिया बिस्तर बनाने का सामान हम जाके लेकर आएंगे जल्दी से। तो ओह एक और छोटा सा बैम्बू फॉरेस्ट है, ओके बहुत अच्छा है। यहाँ आसपास रेयर एनिमल्स मिलेंगे, जैसे मैं आज तक एक भी बार पैरट को नहीं देखा था किसी भी सवाल में, क्योंकि मैं जंगल में जाता ही नहीं था। देखो सीटी मार रहे हैं, क्या लाइन मार रहा है तू, तोती मिल गई क्या तुझे? तो इसके पास आगे देखते हैं, इसके आगे शायद प्लेन जोन मुझे लगता है। तो क्या है भाई, तोतों के घर इतने छोटे छोटे भी होते हैं। देख फिर से सीटी मार रहा है। ओ वाओ स्नो माउंटेन्स कितना मस्त है भाई साहब, जंगल है, बैम्बू फॉरेस्ट है, स्नो माउंटेन्स हैं और प्लेन्स भी हैं। प्लेन्स भी तो है ना, ये तो आसपास हो सकता है जंगल विलेज भी हो। जंगल विलेज कैसे होते मैंने आज तक देखा नहीं है वैसे। और ये स्नो माउंटेन्स पे जो विलेज होते हैं वो भी अच्छे होते हैं। फिर ये प्लेन्स पे, ऐसे प्लेन्स पे तो नहीं देखा मैंने, अगर माउंटेन्स और प्लेन्स दोनों होते हैं तो ज़्यादातर माउंटेन्स। आवाज़ मेरे घर के पास है बिजली चमकी। ओके तो कोल मिल गया, कोल तो ज़रूरी होता है, अगर आपको नहीं पता तो आपको ऑब्वियसली पता है। क्या कमेंट्री कर रहा हूँ मैं आज, मेरे को भी नहीं मालूम। तो ओ नो नहीं नहीं, ओ नो नहीं 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 नहीं, नहीं निकल। ओके ओके हम दब ले रहे,
मैं तो हम लोग फर्स्ट डे पे ही। ओ शिट यार, निकल निकल, कहाँ से फंसा है, कहाँ से? अरे भाई, सामने रखा है ग्रेवल। मैं क्या कर रहा हूँ, मैं सच्ची में नूब हो गया हूँ लग रहा है। उसके बाद क्या क्या कर रही है? और थोड़ा कोल, और थोड़ा कोल। कोल कभी ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ज़्यादा नहीं होता, जितना भी लोग कम ही होता है कोई भी चीज़। तो रात होने वाली है, लगता है हमें उस पेड़ पे जाने तक का टाइम नहीं मिलेगा। यहीं कहीं पे अपना बिस्तर बिछाना पड़ेगा आज के लिए। तो उससे पहले ओके, और कोले यहाँ पे, कोल ले लेते हैं। टॉर्च इसके लिए बहुत ज़रूरी होगा। ये मेरे पास वुडन पिकैक्स है, इसलिए बहुत टाइम लगेगा, इसलिए मैं और फास्ट फॉरवर्ड कर दे रहा हूँ। तो अब काफ़ी सामान हो गया है। वुड तो मेरे पास बहुत सारी है, मैंने स्किप कर दिया था ना वुड का। हाँ, जंगल में से मैंने काटे थोड़े, फिर उसके आसपास स्प्रूस जंगल, स्प्रूस और बर्च का जो जंगल था उधर काटा। यहाँ से वो बना देंगे हम लोग, क्या बोलते हैं, टॉर्चेस बना लेंगे। हाँ, टॉर्चेस बना लेंगे, क्योंकि क्योंकि वाई नॉट। हाँ, अभी सो जाओ जल्दी, कोई नहीं आना, कोई नहीं आना प्लीज़। गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो अब पहला दिन हमारा हो चुका है पूरा माइनक्राफ्ट में। कोई बड़ा अचीवमेंट नहीं है वैसे। हाँ, तो अब चलते हैं हम लोग अपने घर की तरफ, देखते हैं कुछ मिलता है कि नहीं। मुझे विलेज ढूंढने का बहुत मतलब, ओ जल रहे हैं, इनका एक्सपी ले लेते हैं। ठीक, हाँ चल, रॉटन फ्लेश नहीं गिरा है, कोई बात नहीं, वैसे भी चाहिए थोड़ी। ओके, बहुत मस्त है इधर, मैं माइनिंग करूँगा पक्का आके कभी। तो ये इन कोऑर्डिनेट्स का मैं फ़ोटो ले लेता हूँ। फ़ोटो ले लिया, इससे याद रखने में अच्छा, मतलब अगर मैं याद नहीं रखता हूँ तो फ़ोटोज़ में जाके देख सकता हूँ, वही तो ना। तो अब यहाँ से लंबा रास्ता होने वाला है शायद घर तक, तो मेरे ख्याल से ये फ्लावर्स भी ले लेता हूँ। फ्लावर्स ले लेता हूँ, फिर घर को और सजा दूँगा, और मेरा पेड़ दूर दूर से पता चलेगा। एक्चुअली जंगल में नहीं पता चलेगा मेरा घर किधर है, क्योंकि बहुत पेड़ रहेंगे ना, वो पम्पकिन आयरन गोलम बनाने में काम आएंगे। ले लेता हूँ इन्हें भी, इन्हें शायद कार्व करना पड़ता है शीयर से आयरन गोलम बनाने के लिए। मुझे एक्चुअली मालूम नहीं है, मैंने आज तक कभी आयरन गोलम बनाया ही नहीं, मैं उतना दूर पहुंचा ही नहीं हूँ आज तक। यहाँ पे केव्स बहुत सारी हैं। अच्छा अच्छा सीड है ये एक्चुअली, जिसने भी ये सीड डिस्कवर किया था इनकी। और यहाँ पे कुत्ते, दो कुत्ते हैं। ओ काश मेरे पास हड्डी होती यार। शुगर किन और है यहाँ पे, चलो अच्छा बात, अच्छी बात है, हमें वैसे भी शुगर किन चाहिए होता है। हमारा तोता बहुत अच्छा है, मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है। पहले ही दिन पे हमारे साथ रहने के लिए कोई पेट आ गया है, कुत्ता नहीं है लेकिन, वो कुत्ता तो नहीं है पर कुछ तो है ना, वो सीटी मारता रहता है। लेकिन कोई बात नहीं, है तो हमारा ना टेढ़ा है पर मेरा है। हैशटैग नॉट स्पॉन्सर्ड। यहाँ का भी ले ही लेता हूँ। क्रीपर जैसी आवाज़ क्यों आती रहती है? ओ मैं आपको बताना भूल गया, कल मैं फ्री टाइम में क्रीपर बना रहा था ओरिगामी का, आपको इस वीडियो के एंड पे दिखाऊंगा मैं, मेरा हाथ रिवील होगा। अरे मुझे नहीं बताना चाहिए था, छोड़ो कोई बात नहीं। अब चलते हैं हम लोग घर की तरफ। देखा, ये जंगल, इसी जंगल में से कहीं से मैंने, अरे शिट, हमने अभी तक मैप नहीं बनाया था, इतना जगह घूम के आ गए, मैप नहीं बनाया हमने। क्या यार सचिन, तू भी ना। कोई बात नहीं, पर हमारा लक अच्छा है, हमें एम्प्टी मैप नहीं मिला, हमें एम्प्टी लोकेटर मैप मिला। और ये केव का कोऑर्डिनेट्स का फ़ोटो ले लेता हूँ मैं, आसपास आयरन मिल सकता है। यहाँ एक और के, ओ आयरन, आयरन शायद आयरन था उधर। ओ यस कम ऑन, पर हम अभी माइन नहीं कर सकते, नहीं तो हमें नहीं मिलेगा। इसका भी फ़ोटो ले लेता हूँ। अंदर माय आयरन दिख रहा है मुझे, आके पक्का माइनिंग करूँगा नेक्स्ट एपिसोड में। तो अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब मारो गाइस, ये माइनक्राफ्ट सीरीज अब मैं पक्का स्टार्ट करूँ। ओ रोज़ मिल गए, चलो अच्छी बात है, रोज़ मिल गए, बहुत सारे फ्लावर्स मिल गए एक्चुअली। एक और माइन, और आयरन, यस बहुत सही है।
बहुत नीचे तक है। अरे क्रीपर्स की क्यों आवाज़ आती रहती है? छस छस छस। ओके हम आ गए अपने जंगल में। ये रहा हमारा पेड़। ये अरे नहीं ये नहीं है, हमारे पेड़ के बगल में बैम्बू फॉरेस्ट था। छोड़ो कोई बात नहीं, अब रात होने से पहले यहाँ पे घर बनाना है हमें। बैम्बू से भी बना सकते थे स्टिक, मुझे मालूम ही नहीं था, मैंने अभी तक यूज़ ही नहीं किया है बैम्बू। कोई बात नहीं, हम लैडर्स बना लेते बहुत सारी। और अब मैंने लैडर्स लगा चुकी है, लगा दिए गाइस, मैंने फास्ट फॉरवर्ड कर दिया ऐसे। मेरा घर अब रेडी है, ऊपर जाने के लिए तो रेडी है। और बाय द वे मुझे एक दूसरा तोता भी मिल गया। मैंने स्पीड अप कराया तो आपको शायद पता नहीं चल रहा होगा कि मैंने अपना दूसरा तोते को भी टेम कर दिया, और शायद या फिर वो कट हो गया था। इस पे हम बनाएंगे अपना पहला घर। ओके ओके, तो ये हमारे कॉर्नर पे है, तो हमें वाह क्या व्यू है, बहुत मस्त व्यू है। नीचे मेलन्स भी हैं, खाने की कमी तो बिल्कुल नहीं है। दोनों तोते मेरे कंधे पे बैठे हैं, क्यूट। तो अब घर बनाना स्टार्ट करते हैं। प्लैंक्स बना लेता हूँ मैं बहुत सारे, फिर प्लैंक से फ्लोर बनाऊँगा, फ्लोर उसके बाद क्या बनाऊँगा, उसके बाद चेस्ट बनाऊँगा, क्राफ्टिंग टेबल बनाऊँगा, फिर जाऊँगा माइन करने, उसके बाद क्या करना है, उसके बाद देखूँगा जो करना पड़ेगा। खाना ढूँढने जाएंगे, आयरन माइन करने जाएंगे, नहीं उससे पहले आयरन माइन करने जाएंगे हम लोग। शेयर तो उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, शाम हो रही है, हमें जल्दी घर बना लेना चाहिए, अगर स्पाइडर आ गए तो काम हो जाएगा हमारा। ओके वो तो अलग रंग का क्रीपर लग रहा है मुझे, अलग रंग का आई मीन क्या बोल रहा हूँ मैं, रंग का क्रीपर लग रहा है। तो हम टॉर्चेस लगा देते हैं ताकि यहाँ कोई स्पॉन ना हो। वो भाई नीचे बहुत सारे वो मॉब स्पॉन हुए हैं, और मेरा क्राफ्टिंग टेबल भी वही है। कोई बात नहीं, हमारा दूसरी रात ख़त्म हो रही है। गुड मॉर्निंग एवरीवन, तो अब हम क्या करेंगे देखते हैं हम। मैं थोड़ा शायद एक्सटेंड करना चाहूँगा इसको, थोड़ा छोटा लग रहा है। और देखो नीचे हमारा क्राफ्टिंग टेबल है, पर कोई बात नहीं एक्सटेंड कर दूँगा। मैं सोच रहा हूँ कि फर्स्ट फ्लोर जो है वो स्टोरेज रूम बना, क्योंकि क्योंकि मेरे को नहीं मालूम, पर वैसे मन कर रहा है मेरे को स्टोरेज रूम बनाने का। और हाँ हाँ अब मुझे याद आया क्यों, क्योंकि अगर मैं जैसे ही आऊँगा तो मुझे स्टोरेज रूम दिखेंगे, और मुझे सामान लेने के लिए बार बार एकदम टॉप तक नहीं जाना पड़ेगा। तो हमारा फर्स्ट फ्लोर ही बनेगा स्टोरेज रूम, ताकि मैं जल्दी से आऊँ सामान ले जाऊँ। चलो अरे ये शिट, अब मैं किधर रिस्पॉन होगा, मैंने बेड तोड़ दिया था। मैं घर पे रिस्पॉन हुआ, कितना लोड हो रहा है, जल्दी लोड हो। यार तो गाइस बस ये वीडियो यहीं पे ख़त्म होती है, मुझे अब कोऑर्डिनेट देखने होंगे। और लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, गुड बाय। अरे गाइज मैं आपको ये दिखाना ही भूल गया था, मेरा क्रीपर मैंने ओरिगामी से बनाया है, और इसको बनाने का स्टेप्स हम किसी और दिन सीखेंगे। तब तक के लिए गुड बाय, लाइक ज़रूर कर दीजिएगा।